ओके, सो फ्री फायर में बहुत टाइप्स के मूवमेंट है, बट इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 पीसी मूवमेंट ट्रिक इन मोबाइल बताऊंगा जो अभी के टाइम पे फ्री फायर में बहुत चल रहा है। एंड इन मूवमेंट को यूज करना बहुत ज्यादा इजी है अगर आप वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखे तो। ओके, सो इस मूवमेंट से आप एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हो बहुत इजीली, एंड ये मूवमेंट यूज करना भी बहुत ज्यादा इजी है। So, इस मूवमेंट को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जॉयस्टिक बटन के साइज को एकदम छोटा कर लेना है एंड कंट्रोल सेटिंग में जाके रन मोड को मिक्स पे सेट कर देना है। तो इससे आप जब भी जॉयस्टिक बटन को ऊपर की तरफ खींचोगे आपका कैरेक्टर रनिंग मूवमेंट पे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको जस्ट जॉयस्टिक बटन को लेफ्ट साइड राइट साइड डाउन अप करते जाना है जिससे आपके कैरेक्टर में एक लैग मूवमेंट क्रिएट होगा। एंड एनिमी के व्यू से ये मूवमेंट जितना ज्यादा ऑसम दिखता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनिमी आपको वन टैप नहीं मार सकता है, बट इस मूवमेंट का सही से यूज भी करना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज रॉन्ग ट्रिक से ये मूवमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो इस मूवमेंट को सही से यूज करने के लिए आपको पहले जॉयस्टिक बटन को ऊपर की तरफ खींच के ले जाना है एंड जब आपको ये रन आइकन शो होगा देन उसके बाद आपको सिर्फ जॉयस्टिक बटन को चारों तरफ रोटेट करते जाना है। इससे आपका कैरेक्टर कभी रुक जाएगा, कभी रनिंग मोमेंट पे आ जाएगा, कभी नो वॉक करेगा एंड कभी जिगजैग करेगा, जिससे आप किसी भी एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हो बहुत इजीली। ओके, सो इस मूवमेंट से आप किसी भी एनिमी को सॉक्ड कर सकते हो। सो इस मूवमेंट को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल सेटिंग में जाके रन मोड को मिक्स पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको एक कवर की जरूरत पड़ेगा जिसके लिए आप एक ग्लोअल लगा लेना, देन ग्लोअल के अंदर जाके जॉयस्टिक बटन को ऊपर की तरफ खींच के रखना, छोड़ना नहीं है, देन सेटिंग ओपन करना, रन मोड को क्लासिक कर देना। सो नाउ अभी जॉयस्टिक बटन को जैसे यूज करोगे आपका कैरेक्टर वैसे ही यूज होगा। तो इस ट्रिक से लैग मूवमेंट, कंफ्यूजिंग मूवमेंट, 360 डिग्री मूवमेंट कुछ भी कर सकते हो सिर्फ जॉयस्टिक बटन का यूज करके, एंड आपको कोई भी एनिमी हेडशॉट नहीं मार पाएगा चाहे वो बंदा कितना भी प्रो प्लेयर हो। बट कीप वन थिंग इन माइंड, इस ट्रिक को सही से यूज करना है। आप जब जॉयस्टिक बटन को ऊपर की तरफ खींच के रखोगे तो उस टाइम पे जॉयस्टिक बटन को छोड़ नहीं देना है। मेक श्योर आप जॉयस्टिक बटन को ऊपर की तरफ खींच के रखे हो, देन सेटिंग ओपन करके रन मोड को क्लासिक कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप जॉयस्टिक बटन को छोड़ दोगे, देन सेटिंग ओपन करोगे तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, सो इस मूवमेंट का उतना ज्यादा यूसेज नहीं है, बट इस मूवमेंट से आप अपने दोस्त या फिर एनिमी को सॉक्ड कर सकते हो। तो इस मूवमेंट को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जिगजैग करना है, देन मैसेज वाले आइकन में टैप करके उसे ऊपर की तरफ खींच के रखना है। तो आपका कैरेक्टर ऐसे 360 डिग्री में रोटेट होगा, बट इसको यूज करना थोड़ा सा टफ है बिकॉज आपको ये ट्रिक क्विकली यूज करना है, अदरवाइज ट्रिक वर्क नहीं करेगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मैसेज आइकन को छोड़ दोगे तो आपका कैरेक्टर नॉर्मल रनिंग मोड में आ जाएगा। तो ट्रिक को फिर से समझ लो, आपको पहले जिगजैग करना है, देन मैसेज आइकन में टैप करना है, तो कुछ इमोजी सेक्शन आ जाएगा, फिर इमोजी सेक्शन को ऊपर की तरफ खींच के रखना है, तो कुछ सेकंड के लिए आपका कैरेक्टर ऐसे 360 डिग्री में रोटेट होगा। एंड इस टाइम पे आप ना तो फायर कर सकते हो और ना ही गन स्विच कर सकते हो, सिर्फ आपका कैरेक्टर 360 डिग्री में रोटेट होगा, जिसके वजह से इस मूवमेंट का यूसेज उतना ज्यादा नहीं है, बस आप अपने दोस्त या फिर एनिमी को शॉक कर सकते हो ऐसे करके। ओके, सो मैंने आपको 3 पीसी मूवमेंट इन मोबाइल कैसे यूज करना है बता दिया, बट अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर देना।